तो बेटा शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे बेटा गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन वोल्ट मीटर में। देखो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। बेटा हमें ये पढ़ना है। देखो बेटा गैल्वेनोमीटर है, हमने कल इसके बारे में एक बेसिक आइडिया लिया था। इसके थ्रू बेटा हमने लिखा था करंट IG, याद आया कुछ? अब इसका रेजिस्टेंस बेटा अगर RG था तो डेल्टा V की वैल्यू कितनी लिखी थी मैंने बेटा, IG इंटू RG, याद आया कुछ? इसमें बेटा मैंने बोला था कि अगर ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन है तो ये क्या होगा बेटा, क्या ये होगा मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप। इतनी बात बेटा हमने कल देखा था। इधर देखो बेटा, इसमें भी वही कहानी है बेटा। गैल्वेनोमीटर बेसिकली मेजर तो करंट करता है, लेकिन बेटा अगर मुझे वोल्टेज बताना तो मैं क्या करूंगा, जैसे इस केस में इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके चिपका दूं इस पे, तो क्या मुझे वोल्टेज मिलना शुरू हो जाएगा बेटा कि नहीं? क्लियर है? लेकिन बेटा इसमें IG स्मॉल था तो बेटा डेल्टा बी की वैल्यू भी क्या होती है, स्मॉल होती है। तो हमें इसमें रेंज बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है उसको सुनते हैं बेटा। हम इसके अक्रॉस चाहेंगे पोटेंशियल ड्रॉप कम हो तो हम क्या कर सकते हैं, सीरीज में एक और रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। क्लियर? तो कुछ इस तरीके से होगा बेटा ये गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस R। अच्छा देखो इस पूरे सेटअप को बेटा, ये जो है इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। ये बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है? ये एंड ए, ये मान लेते बेटा बी, तो यहां पर ये है ए और ये है बी। इसमें करंट IG ही जाएगा, इसमें भी करंट कितना जाएगा बेटा, IG ही जाएगा। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो क्या इक्वेशन लिखेंगे, देखो डेल्टा V इक्वल टू IG RG प्लस R। देखो बेटा कितने आसानी से कन्वर्ट हो गया। अब जो इस पे पहले से बेटा जो रीडिंग लिखी थी उस रीडिंग को मैं फाड़ के इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके चिपका दूं तो क्या इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आना शुरू हो गया बेटा कि नहीं? क्लियर है? आगे बात तो देखो, फॉर लार्जर रेंज देखो बेटा इसका जो रेंज होगा ना 0 से डेल्टा V होगा, तो जितना बड़ा R होगा बेटा उसका रेंज क्या होगा, उतना ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? फॉर लार्जर रेंज R मस्ट बी वेरी लार्ज। क्लियर बेटा? देखो इसमें क्या किया बेटा, क्या हमने एक लार्ज रेजिस्टेंस कनेक्ट किया सीरीज में टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर अ लार्ज रेजिस्टेंस, लार्ज रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज। बेटा ए मीटर में क्या था, ए मीटर के केस में बेटा स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया था हमने, कैसे, पैरेलल में। दूसरी बात सुनो बेटा, आप बिल्कुल फ्री हैं वोल्ट मीटर को सीरीज में या पैरेलल में या मिक्स कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं। लिखो बेटा वोल्ट मीटर कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज कॉमा पैरेलल और इन मिक्स कॉम्बिनेशन बट बट
जिसके क्रॉस बेटा पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। क्लियर है? जैसे एग्जांपल देखो, मैंने एक सर्किट लिया बेटा आर वन और आर टू, ये सर्किट था बेटा, ठीक है, ये बैटरी था बेटा 20 वोल्ट का। मुझसे बोला गया आर टू के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो बेटा, तो क्या इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है? तो बेटा जब ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगा कि किसी एक पर्टिकुलर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो उसके अक्रॉस पैरेलल में कनेक्ट होगा। लिख लो कैसे, क्या लिखा बेटा हमने, कि सीरीज पैरेलल कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं, पर जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो उसके साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। क्लियर हुई बेटा इतनी बात की नहीं? आ गई बात। अब देखो बेटा, इतनी बात समझ में आई? अब हम बेटा इसमें थोड़ा एरर के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर वापस आओ बेटा, ये जो है ना, ये वाला टर्म, ये क्या हो गया बेटा, क्या ये हो गया रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। ये क्या हुआ बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर हुआ कि नहीं? देखो बेटा वोल्ट मीटर यही दोनों है कि नहीं है? देखो एमीटर में यही क्या था बेटा, पैरेलल में था, तो पैरेलल के तरीके से हमने निकाला था। क्लियर? देखो हमने बेटा यहां एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया वी, ठीक, उसके बारे में बेटा हम बात करेंगे। अब इसका रेजिस्टेंस बेटा हम मान लेते हैं आर वी है, ठीक है। देखो ध्यान से, तो बेटा इस केस में पहले रेजिस्टेंस सर्किट का कुछ और रहा होगा, इसको कनेक्ट करने से सर्किट का रेजिस्टेंस कुछ और हो गया होगा, तो क्या होगा बेटा, एरर आएगा कि नहीं आएगा? एरर अकर्स। और डेल्टा वी वाई वी ये कितना होगा बेटा, वी फाइनल माइनस बी इनिशियल डिवाइडेड बाई वी इनिशियल। क्लियर? इंटू 100 कर दे तो बेटा क्या आ जाएगा, इंटू 100 कर दिया जाए तो क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका परसेंटेज एरर। क्लियर है बेटा कि नहीं है? इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़े चलो, देखो ध्यान से, बहुत ही लॉजिकल सवाल है। आर वन आर टू वी, क्लियर। दूसरा सर्किट बेटा, वोल्ट मीटर ठीक है, ये आर वन ये आर टू बेटा और ये आर V, क्लियर। देखो क्वेश्चन क्या बेटा, इफ V1 इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 इन फर्स्ट एंड B1' पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर वन इन सेकेंड, ठीक है बेटा। ऐसे बेटा मैंने बोला बी टू पहले के लिए और बी टू डैश दूसरे वाले के लिए, ये बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं आई? ऑप्शंस देखो बेटा क्या है, बी वन ग्रेटर देन बी टू, ठीक है, सॉरी बी वन ग्रेटर देन बी वन डैश, बी टू ग्रेटर देन बी टू डैश। ऑप्शन बी बेटा क्या है, बी वन लेस देन बी वन डैश एंड बी टू लेस देन बी टू डैश। ऑप्शन सी है बेटा, वी वन ग्रेटर देन बी वन डैश एंड बी टू लेस देन बी टू डैश। ऑप्शन डी है बेटा, बी वन लेस देन बी वन डैश एंड बी टू ग्रेटर देन बी टू डैश, ठीक है। एक ऑप्शन बना लो बेटा, डेटा इनसफिशियंट, मन ने को नहीं मेरा, जो भी मन में आपके आता है, ये हमारा सवाल है बेटा। चलो बहुत ही आसान सवाल है बेटा, देखो ये V1 था बेटा इसके क्रॉस, और इसके क्रॉस ड्रॉप कितना है बेटा,
वी टू का है कि नहीं है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, और इसमें है बेटा करंट आई, ठीक है, तो जो वी वन की बेटा वैल्यू आएगी वो आएगी आई आर वन, और वी टू की जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी आई आर टू। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं, क्लियर है? अच्छा, वी वन और वी टू मिला के वी के बराबर होगा, ये भी बात समझ में आनी चाहिए बेटा। इधर देखो, ये बेटा एक रेजिस्टेंस है और ये भी एक रेजिस्टेंस है। देखो, वोल्ट मीटर को सॉल्व करने का सबसे सही तरीका बेटा, उसको एक रेजिस्टेंस जैसे ट्रीट कर लिया करो। आगे बात, तो बेटा ये वोल्ट मीटर एक रेजिस्टेंस है बेटा, ये भी एक रेजिस्टेंस है, क्लियर है? तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा ना बेटा, डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट करने से हमेशा क्या होता है बेटा, डिक्रीज ही होता है। तो बेटा अगर ये डिक्रीज करेगा तो आई डैश आएगा, और डेफिनेटली आई डैश क्या होगा, आई से ज्यादा होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस घटा है। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? तो जो इसके क्रॉस आएगा बेटा बी वन डैश, ये आएगा आई डैश इंटू आर वन। तो क्या वी वन डैश ज्यादा आएगा बेटा कि नहीं आएगा? इसका मतलब कौन सा ऑप्शन बेटा, चाहे ये ऑप्शन चाहे ये ऑप्शन, ठीक है? देखो, इन दोनों को मिला के वी का ड्रॉप होगा, और वी वन बेटा ज्यादा हो चुका है तो वी टू क्या हो जाएगा, अरे वी वन से ये ज्यादा है कि नहीं है, तो ये क्या होगा बेटा, इसके कंपेरेटिवली कम होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, देखो इन दोनों को मिला के इसके बराबर, और इन दोनों को मिला के इसके बराबर, इसके क्रॉस इंक्रीज कर चुका है तो इसके क्रॉस क्या कर जाएगा बेटा, डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब बेटा v1 डैश इज ग्रेटर देन v एंड v2 डैश इज लेस देन v। बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, इसको हमेशा इसी तरीके से आप सोचेंगे। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? क्लियर? इधर देखो, हमने क्या किया बेटा, एक रेजिस्टेंस लिया, एक बैटरी लिया बेटा, ठीक है। वी वोल्ट रेजिस्टेंस था आर, इसके क्रॉस ड्रॉप आया बेटा वी का। अच्छा एक मिनट बेटा, एक और रेजिस्टेंस ले लो आर वन एंड आर टू का, क्लियर। दूसरा केस बेटा हमने लिया आर वन यही लिया और आर टू लिया बेटा, यहां वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है। ये रहा बेटा, क्लियर। इसका रेजिस्टेंस है बेटा आर वी। अब ध्यान से सुनना बेटा, इसमें जो बात करी जाए बेटा, एरर आएगा, हमने यही देखा चेंज हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? तो इसमें रीडिंग निकालते हैं बेटा, जो पहले V2 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा, V डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू R2, ये वैल्यू आएगी बेटा कि नहीं आएगी? क्लियर है बेटा? इसमें जो V2 डैश आएगी वो कितनी आएगी, इधर देखो बेटा, इसमें जो है बेटा इसका R इक्विवेलेंट निकालेंगे हम, तो करंट बेटा आपका आ जाएगा B डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट इंटू आर टू, क्लियर है? और R इक्विवेलेंट बेटा हम सॉल्व करते हैं, R इक्विवेलेंट बेटा ये दोनों पैरेलल में और इसके साथ ये सीरीज में, तो ये आएगा R1 प्लस R2 R वोल्ट मीटर डिवाइडेड बाई R2 प्लस R वोल्ट मीटर आएगा बेटा, क्लियर है, इंटू आर टू, यही आएगा। अच्छा, इसको बेटा चाहे आप और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिखते हैं इसी को, इजिकल टू वी डिवाइडेड बाई आर वन, क्लियर बेटा? इधर देखो, ये आर इक्विवेलेंट की कहानी बेटा, जितना ज्यादा आर इक्विवेलेंट चेंज होगा, क्लियर है? चलो इसको छोड़ दो, जितना ज्यादा बेटा आर इक्विवेलेंट चेंज होगा इसको लगाने से, उतना ही ज्यादा एरर आएगा कि नहीं आएगा? अब बेटा इसको मैं ऐड कर दूं, वोल्ट मीटर लगा दूं, और बिल्कुल रेजिस्टेंस सर्किट का चेंज ना हो तो कोई भी एरर नहीं आएगा। ये बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? क्लियर है? तो देखो इधर, इसको ऐड करने से बेटा वन अपॉन आर डैश बेटा बोलता हूं कितना आएगा, वन अपॉन आर टू
प्लस वन अपॉन आर वोल्ट मीटर, यही आएगा कि नहीं आएगा बेटा? क्लियर है? अब बेटा आर डैश की बात करी जाए, आर डैश जितना कम चेंज होगा एरर उतना ही कम आएगा, तो बेटा इसको कम चेंज करने के लिए आर टू के बराबर रखने के लिए आर बी को वेरी लार्ज कर दिया जाए, वेरी लार्ज। क्यों बेटा? क्योंकि ये वैल्यू बहुत कम होगी कि नहीं होगी? फिर वेरी लार्ज, तो एरर क्या होगा बेटा? कम होगा। आगे बात, और यही बेटा आइडियल की अगर बात करी जाए तो आर वोल्ट मीटर कितना होता बेटा? इनफाइनाइट होता है। लिख लो बेटा इस बात को, एज रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इंक्रीजेज एरर डिक्रीजेज। अभी एग्जांपल लेके समझाऊंगा, ज्यादा क्लियर होगा। एरर डिक्रीजेज, क्लियर बेटा? लिखो इसमें आगे, फॉर आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर टेंड टूवर्ड्स इन्फिनिटी। ये बात बेटा समझ में आ गई कि नहीं आई? क्लियर है? आगे बढ़े, इधर देखो, क्वेश्चन लग करते हैं तो समझ में आएगी बेटा बात। ये हमें देखो क्वेश्चन ये है बेटा हमारा, एक सर्किट है, ये है 100 ओम रेजिस्टेंस, क्लियर बेटा? एक और है बेटा, ये है 1000 ओम का रेजिस्टेंस बेटा। बेटा इसको हमने कनेक्ट किया, थोड़ा सा आसान कैलकुलेशन करने के चक्कर बेटा इसको हमने कनेक्ट किया इस बैटरी के साथ, ठीक है? देखो इसके क्रॉस डेल्टा वी कितना आएगा? क्या बेटा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 1100? तो बेटा इसमें करंट कितना आएगा? 1 एम्पियर आएगा कि नहीं आएगा? तो इसमें डेल्टा वी कितना है बेटा? 1000 इंटू 1 मतलब कितना बेटा? 1000 वोल्ट आया बेटा कि नहीं आया? क्या यही इसकी एक्चुअल रीडिंग थी? देखो इसी सवाल बेटा हमने यही क्वेश्चन लिया, ठीक है बेटा? ये 100 वोल्ट की 100 ओम का रेजिस्टेंस बेटा, बेटा ये 1000 और एक वोल्ट मीटर लगा दिया बेटा, ठीक है? और ये वही बैटरी है, इसका भी रेजिस्टेंस बेटा 1000 ओम है, क्लियर है? अब देखो एरर निकालते हैं कितना है बेटा। देखो जब भी ऐसे सवाल आए बेटा, वोल्ट मीटर को रेजिस्टेंस जैसे ट्रीट करो। अभी मैं आगे और तुम्हें सवाल कराऊंगा ऐसे बेटा। ये 1000 ओम का, ये 1000 ओम का कितना हो गया बेटा? 500 इसके साथ बेटा 600, और ये कितना हो गया बेटा? आई, तो आई की वैल्यू कितनी आई बेटा? क्या आई की वैल्यू आई 1100, इसको आई डैश बोल रहे, डिवाइडेड बाई 600 बेटा, कितना गया? 11/6। तो इसके क्रॉस डेल्टा बी कितना आएगा बेटा? देखो इसके क्रॉस निकालो आप डेल्टा बी, तो इसके क्रॉस आ जाएगा बेटा 100 × 11/6। तो इसके क्रॉस कितना बेटा? देखो ध्यान से, ये आएगा कि नहीं आएगा? तो बेटा इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 6600 माइनस दिस डिवाइडेड बाई 6, ये कितना आ गया बेटा? 5500 डिवाइडेड बाई 6, ये आया बेटा कि नहीं आया? पहले कितना था बेटा? 1000 वोल्ट था, अब क्या आएगा बेटा? कम आएगा कि नहीं आगे आया बेटा? एरर आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब देखो बेटा इसी में आप खुद से ट्राई करना, डेटा लेना, 100 ओम लिया बेटा, 100 ओम लिया, इसको बेटा ले लेना कुछ भी वोल्ट जिससे आसान हो जाए, और इस रेजिस्टेंस को बेटा ज्यादा लेना वोल्ट मीटर वाले को, फिर देखना बेटा एरर कम हो जाएगा, परसेंटेज एरर, क्लियर है कि नहीं है? तो मैं यही तुम्हें समझा रहा था पीछे बेटा कि जैसे जैसे वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, जैसे इस 1000 के कंपैरेटिवली ना बेटा इसको मैं 20000 ले लेता भी तो एरर और कम आता, चाहे आप चेक करके देख लेना, ये आपका काम है, क्लियर है? तो बेटा जिसके साथ आप पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो ना, उसके कंपैरेटिवली अगर वो हाई रेजिस्टेंस है तो एरर कम आएगा। आई बात? जैसे ये 1000 है बेटा, ये 1 ओम का होता, बिल्कुल कम एरर आता। आ गई बात? क्लियर? छाप लो।
इतनी बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? अच्छा देखो, रेजिस्टेंस वाली कहानी देखते बेटा, ये तो ऐसी एरर हो गई। जो रेजिस्टेंस का एरर आता बेटा इसी केस में बेटा, ये रीड करता है वोल्ट मीटर के साथ, वो रीड करता है आर इक्विवेलेंट, आ गई बात? और ये क्या रीड करता बेटा, ये रीड करेगा आपका ओरिजिनल। बात समझ में आई? क्लियर है बेटा कि नहीं आया? चलो इस पर एक सवाल कर लेते हैं, जेई मेंस में आया था, बहुत अच्छा सवाल था बेटा। लिखो क्वेश्चन, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, सर्किट देखो बेटा गिवन हमें, क्वेश्चन क्या है? एक एमीटर है हमारे पास, एक रेजिस्टेंस है आर, और एक है बेटा वोल्ट मीटर बी। ये सर्किट है और एक बैटरी हमने लगा रखा है, ठीक है? लिखो क्वेश्चन, एक्चुअल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इजकल टू 30 ओम, इजकल टू 30 ओम लिखा बेटा। व्हेन मेजर्ड बिकम 5% लेस, व्हेन मेजर्ड फ्रॉम द सर्किट बिकम 5% लेस। क्लियर बेटा? फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। क्लियर बेटा? देखो एमीटर बेटा कुछ हमें गिवन नहीं, इसको छोड़ देते हैं, बहुत आसान सवाल है। इसका एक्चुअल रेजिस्टेंस था बेटा 30, ठीक है बेटा? इसको मान लेते हैं आर डैश, तो इनका इक्विवेलेंट बेटा 5% कम हो गया। क्लियर है कि नहीं है? तो बेटा इसका 5% कितना आएगा? देखो 30 × 5/100, क्लियर? कितना है बेटा? क्या ये आया 1.5? देख लो बेटा, 5% निकाला था, ये 20 हो गया, ठीक है बेटा 1.5 आ गया। तो बेटा इसका R इक्विवेलेंट कितना है? वही कहानी है कि नहीं है? R इक्विवेलेंट बेटा इसका आ जाएगा 30 − 1.5, दैट इज 28.5। क्लियर बेटा? तो देखो अब मैं इक्वेशन लिखूंगा क्या बेटा, इन दोनों का, इसका रेजिस्टेंस 30, इसका बेटा आर डैश डिवाइडेड बाई 30 प्लस आर डैश इजकल टू कितना बेटा 28.5। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सॉल्व कर लोगे बेटा आर डैश की वैल्यू की नहीं? क्लियर है? छाप लेना बेटा इसे, पक्की बात, जल्दी छापो बेटा इसे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो बेटा, गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम कंटेन्स 100 डिवीजन। आर्क गैल्वेनोमीटर कितना बेटा 100 ओम है, ठीक है? नंबर ऑफ डिवीजन कितना है? ये भी बेटा 100 है, ठीक है? आगे लिखो, डिफ्लेक्शन ऑफ वन डेविएशन अकर्स व्हेन पासेस अ करंट ऑफ 10⁻⁴ एम्पीयर। क्लियर बेटा? 10⁻⁴ एम्पीयर डेविएट बाय वन डेविएशन बेटा, ये भी क्वेश्चन में हमें गिवन है। आगे बात, आगे देखो बेटा, फाइंड रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड टू कन्वर्ट द वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 10 वोल्ट। हमें बेटा रेंज बनाना कितना 10 वोल्ट का, ये हमें पूछा गया है। इधर देखो बेटा, बहुत ही आसान सवाल है। इधर देखो, आईजी की बेटा वैल्यू क्या आएगी? आईजी मैक्सिमम, देखो एक डेविएशन के लिए कितना बेटा 10⁻⁴ एम्पीयर, तो 100 डेविएशन है बेटा, तो 10⁻⁴ एम्पीयर इंटू 100, दैट इज 10⁻²⁰ एम्पीयर बेटा, ये IG की वैल्यू आ गई। अब सर्किट देखो बेटा, ये G, ये R, इसमें IG, डेल्टा B इक्वल टू IG RG प्लस R। देखो बेटा डेल्टा B की वैल्यू कितना रेंज हमारे लिए 10 वोल्ट, IG की बेटा वैल्यू हमें पता है, RG की बेटा वैल्यू हमें गिवन है 100, और ये R आ गया कि नहीं आ गया बेटा? क्लियर है? देखो बहुत आसान क्वेश्चन है कि नहीं है, पक्की बात, छाप लो बेटा। और एक इंपॉर्टेंट बात लिखो बेटा,
देखो गैल्वेनोमीटर से ए मीटर बनाने के लिए, लिख लो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, गैल्वेनोमीटर से ए मीटर बनाने के लिए स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। आइडियल ए मीटर का रेजिस्टेंस जीरो होता है, आइडियल ए मीटर का रेजिस्टेंस जीरो होता है। लिखो बेटा गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कन्वर्ट करने के लिए, गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कन्वर्ट करने के लिए लार्ज रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया जाता है, लार्ज रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया जाता है। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। क्लियर बेटा? देखो दूसरी बात बेटा, स्मॉल रेजिस्टेंस ए मीटर में इसलिए लगाया जाता है, दो रीजन थे। पहला लिखो, स्मॉल रेजिस्टेंस ए मीटर में इसलिए लगाया जाता है उससे रेंज बढ़ता है और एरर कम आता है। क्लियर बेटा? सेम गैल्वेनोमीटर में भी लार्ज रेजिस्टेंस इसलिए लगाते हैं कि एरर कम आता है और रेंज इंक्रीज करता है। लिखा बेटा इतनी बात, अब सुनो, हम गैल्वेनोमीटर को और वोल्ट मीटर को किसी भी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जिस सेगमेंट में करंट निकालना हो उसके साथ सीरीज में एमीटर करंट कनेक्ट होता है बेटा, और उसी के साथ पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्ट होता है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? आगे बढ़े बेटा, आगे सुनो। अब सुनो बेटा, किसी भी सर्किट को तुम्हें सॉल्व करना हो, ये बात चाहे लिख लो, किसी भी सर्किट में वोल्ट मीटर एमीटर लगे हो उनको सॉल्व करना हो तो उनको एक रजिस्टेंस जैसे ट्रीट करो और सर्किट सॉल्व कर दो। जो एमीटर वाले रेजिस्टेंस के थ्रू करंट होगा वो एमीटर की रीडिंग होगी, और जो वोल्ट मीटर वाले रेजिस्टेंस के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो पोटेंशियल वो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी। रिपीट करो बेटा, एमीटर और वोल्ट मीटर को ट्रीट एज अ रेजिस्टेंस। क्लियर बेटा? देखो आइडियल है तो जीरो शॉर्ट कर दो या ओपन कर दो वोल्ट मीटर के केस में बेटा। क्लियर हुआ? फाइंड द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, इट विल बी द रीडिंग ऑफ एमीटर। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, इट विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। ये बात क्लियर हुई बेटा कि नहीं हुई? आगे बात, आगे बढ़े। अब हम बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ध्यान से सुनो। न्यूमेरिकल्स क्या है देखो, देखो बेटा पहला क्वेश्चन क्या है। टर्मिनल ए बी गिवन है बेटा, रेजिस्टेंस आर है, ये रेजिस्टेंस बेटा आर टू है, टू आर वन के बराबर बेटा। ये रीडिंग था बेटा इस केस में, ये रीडिंग था इस केस में, ये 180 है। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर बेटा हमें गिवन है, मतलब इसकी जगह हमें एक रेजिस्टेंस दिखाई देना चाहिए बेसिकली, कितने का बेटा, 900 ओम का। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी बेटा, दोनों केस के हिसाब से मैं कर रहा। इधर देखो बेटा, देखो इसकी रीडिंग कितनी बेटा, 198 वोल्ट बेटा। इसका रेजिस्टेंस तुम्हें पता है, तो क्या इसमें करंट आ गया बेटा? आई आई की वैल्यू कितना बेटा, डेल्टा बी बाई आर, 198 बाई 900। क्लियर है कि नहीं है? आगे बात, इसमें बेटा तुम्हें आई पता है, आई इसमें कितना बेटा, 180 बाई 900। ये बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? चलो इसके क्रॉस जो डिफरेंस था बेटा डेल्टा बी का था, और तुम्हें करंट पता है कि नहीं पता है, तो आई इजकल टू कितना बेटा, इस केस के हिसाब से इसको आई डैश बोल लेते हैं। आई इजकल टू तुम्हारा आएगा बेटा डेल्टा बी डिवाइडेड बाई, देखो ध्यान से बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 900 प्लस R1। तुम्हें आई की वैल्यू पता है कितना, 198 बाई 900 इजकल टू डेल्टा पी बाई प्लस R1। क्लियर हुआ बेटा? इसके क्रॉस देखो बेटा, आई इजकल टू कितना, 180 बाई 900 इजकल टू डेल्टा पी, तो बेटा सेम रहेगा, डिवाइडेड बाई कितना, 900 प्लस 2R2। ये बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं आ गई? क्लियर है?
अब चाहो तो आप डिवाइड कर दो बेटा, यहां से आर वन की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी टू आर टू नहीं बेटा टू आर वन, क्लियर है। अब इसको सॉल्व आप करेंगे बेटा, डिवाइड कर दो, डेल्टा बी से डेल्टा बी मर जाएगा, 900 मर जाएगा बेटा, यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू आगे बेटा पुट कर दो लाके, वी की वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी, ये बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं आई, क्लियर है। देखो मैंने कैसे सॉल्व किया, एज अ सिंपल सर्किट सॉल्व किया कि नहीं किया बेटा, यहां देखो इस केस में देखो, वोल्ट मीटर रीड 5 वोल्ट बेटा, इसके क्रॉस कितना है 5 वोल्ट, चलो सर्किट बनाते बेटा। ए मीटर का रेजिस्टेंस हो गया बेटा आर जी, या आर ए बोल लेते हैं, ये रेजिस्टेंस बेटा हमारा आर, और ये कितना बेटा आर बी, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बेटा। इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 5 रीड कर रहा है, इसका मतलब इसके क्रॉस बेटा पोटेंशियल ड्रॉप कितने का आएगा 5 वोल्ट का, इसका मतलब बेटा यहां मान लेते हैं 5, यहां मान लेते हैं 0, क्लियर है। ए मीटर कितना रीड कर रहा है बेटा करंट 4 एम्पियर, तो इसमें कितना करंट हुआ बेटा 4 एम्पियर, पीछे वाले लॉजिक से याद करो, क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ। तो देखो इनका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, आर प्लस आर ए, और डेल्टा बी कितना बेटा 5 का, और करंट कितना है 4 एम्पियर, तो डेल्टा बी इजकल टू आई आर, आर प्लस कितना बेटा आर ए, क्लियर है बेटा कि नहीं है, पक्की बात बोलो। तो यहां से बेटा सॉल्व कर देते हैं हम, तो आर आर की वैल्यू कितना आई बेटा यहां से 5 बाई 4 प्लस कितना बेटा या माइनस कितना, यहां से देखो बेटा माइनस आर ए, ये आया कि नहीं आया बेटा, क्लियर है पक्की बात। चलो इस पर थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, इसके क्रॉस कितना बेटा अगर देखा जाए 5 वोल्ट का ड्रॉप है कि नहीं है, आगे बात, और इसमें करंट कितना बेटा 4 एम्पियर है, तो बेटा अगर ये आइडियल होता तो, आइडियल होता तो क्या था, वैसे भी सोच सकते हो आप, डेल्टा वी इजकल टू आई आर, तो आर की वैल्यू कितनी आई बेटा यहां से आई 4 डिवाइडेड बाई डेल्टा बी, सॉरी बेटा कर कह रहा हूं मैं आई आर, तो डेल्टा बी 5 बाई 4 आ गया बेटा। तो ये वैल्यू देखो बेटा ये आएगा 1 से कुछ ज्यादा, उसमें से कुछ माइनस हो गया, मेरी बात समझ में आई नहीं आई, तो ऑप्शन ढूंढो बेटा 5 ओम हो नहीं सकता, ग्रेटर देन 5 ओम तो कोई सेंस ही नहीं बनता बेटा, लेस देन 5 ओम है कि नहीं है, आगे बात, इस तरीके से सोच सकते हो आप कि नहीं, क्लियर है। आगे बढ़े, आगे देखो बेटा ये सर्किट है बेटा हमारे पास, करंट इन ए मीटर इज 5 एम्पियर बेटा, इसमें करंट कितना है 5 एम्पियर हमें गिवन है, ये बेटा कितना है 100 वोल्ट रीड कर रहे, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर कितना बेटा इतना है, फाइंड स्मॉलर, कुछ नहीं करना बेटा सर्किट बना दो, इधर देखो ये हुआ बेटा आर आपका, ये रीड कर रहा है कितना बेटा इसके क्रॉस 100 वोल्ट है, तो यहां भी कितना होगा बेटा 0, यहां कितना हो जाएगा 100 होगा, और इसका रेजिस्टेंस बेटा हमें गिवन है, तो इसमें आई की वैल्यू आ जाएगी, देखो आई कितना आएगा बेटा, आई इज इक्वल टू डेल्टा वी दैट इज 100 डिवाइडेड बाई 2500 बेटा, गिवन है कि नहीं गिवन है, तो कितना आएगा बेटा 1 डिवाइडेड बाई 25, देखो बेटा 5 एम्पियर करंट आया था, 1 डिवाइडेड बाई 25 इसमें गया, तो इसमें कितना गया होगा बेटा 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 25, बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई, क्लियर है। तो ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया 1 24 डिवाइडेड बाई 25, और डेल्टा भी बेटा इसके क्रॉस पता है तुम्हें कितना है 100, और तुम्हें करंट पता है बेटा, तो डेल्टा बी दैट इज 100 इजकल टू आई 124 डिवाइडेड बाई 25 इंटू स्मॉल आर, सर्किट जैसा ही सॉल्व हो रहा है बेटा कि नहीं हो रहा है, क्लियर है, छाप लो सारा कुछ, देखो क्लियर है, आर की वैल्यू आ जाएगी बेटा कि नहीं आ जाएगी, क्लियर। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, वोल्ट मीटर ए मीटर को ट्रीट एज अ सिंपल रेजिस्टेंस, सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा,
कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, इधर देखो ये सवाल बेटा। तीन एमीटर है ए बी एंड सी, रेजिस्टेंस आर ए आर बी एंड आर सी, अ बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन टी वन एंड टी टू, आई ए आई बी एंड आई सी आर करंट। चलो बेटा ढूंढते हैं, सर्किट बनाते हैं। ये आर ए हो गया, ये कितना हो गया बेटा आर बी हो गया, और ये कितना हो गया बेटा आर सी हो गया। यहां एक बैटरी कनेक्टेड है, तो बेटा इसमें अगर करंट गया आई ए तो इसमें करंट बेटा आई बी, तो क्या आई वन और आई टू, क्या आई वन इजकल टू होगा बेटा आई ए और इजकल टू आई बी होगा कि नहीं होगा, और आई टू कितना होगा बेटा आई सी के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो चलो पहला ऑप्शन देखो बेटा, क्या आई ए आई बी बराबर होगा, ठीक है। इधर देखो इसमें बेटा करंट आई वन है, रजिस्टेंस कितना है आर ए प्लस आर बी होगा बेटा, ये आर सी होगा। तो क्या मैं यहां से इक्वेशन लिख सकता हूं आई वन आर ए प्लस आर बी इजकल टू आई टू आर सी, पैरलर में है बेटा कि नहीं है। तो क्या आई वन की जगह पे बेटा मैं लिख सकता हूं आई ए, तो आई ए आर ए आई ए आर बी इजकल टू आई सी आर सी आ जाएगा, तो आई ए और आई बी बराबर बेटा, तो ये भी सही होगा कि नहीं होगा। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है बोलो। आगे देखो बेटा अगला ऑप्शन है आई ए डिवाइडेड बाई आई सी इजकल टू आर सी डिवाइडेड बाई आर बी। देखो बेटा इधर यहां से अगर मैं लिखूं तो इसके क्रॉस डेल्टा बी कितना आएगा आई ए आर ए, और इसके क्रॉस कितना आएगा बेटा आई सी आर सी। तो ये तो बेटा गलत है कि नहीं है, नहीं आएगा। ये चेक करो बेटा इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा आर ए प्लस आर बी इंटू इनमें करंट, तो आर ए प्लस आर बी इंटू इनमें करंट और आई सी इंटू आर सी बेटा, इसके क्रॉस डेल्टा बी आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर हुआ बेटा तीन ऑप्शन सही है कि नहीं बेटा, ये एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। आगे बात बोलो, आगे बढ़े। सिंपल रेजिस्टेंस जैसा ही ट्रीट करना है तुम्हें। आगे देखो ये क्वेश्चन बेटा, हमारा क्वेश्चन देखो बेटा, ए बी एंड सी आर वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस आर 1.5 आर एंड 3 आर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स एंड वाई इज अप्लाइड। क्लियर बेटा, देखो तीन रेजिस्टेंस आर, मैं कुछ ज्यादा नहीं समझाऊंगा, ये 1.5 आर और ये कितना बेटा 3 आर, ठीक है बेटा। यहां एक बैटरी मान लो बी वोल्ट की, यहां जीरो बेटा, यहां कितना जीरो, यहां बेटा वी, तो यहां कितना बेटा वी, यहां एक्स, सॉल्व हो जाएगा एक्स आपसे, और बेटा एक्स आ गया तो कौन सी चीज नहीं होगी बताओ जरा। देखो क्या लिखोगे क्वेश्चन आप, एक्स माइनस बी बाई आर प्लस एक्स माइनस जीरो, एक्स माइनस जीरो डिवाइडेड बाई थ्री बाई टू आर, तो बेटा ये ऊपर आ जाएगा, क्लियर है, प्लस एक्स माइनस जीरो डिवाइडेड बाई कितना बेटा थ्री आर इजकल टू कितना बेटा जीरो। ये बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई, सॉल्व कर लोगे ना, आर इधर लेके जाओ बेटा, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 3x, 2x, 5x और 6x, 6x माइनस कितना बेटा 3b इजकल टू कितना जीरो, तो x इजकल टू कितना बेटा b बाई टू, खत्म सवाल। तो बेटा इसके क्रॉस ड्रॉप b बाई टू, तो इसके क्रॉस भी ड्रॉप कितना बेटा b बाई टू, तो ये कहानी सत्य है कि नहीं है, तो ये गलत हो गया बेटा, ये भी गलत हो गया। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इधर देखो एक और क्वेश्चन देखो बेटा, अच्छा सा सवाल ये भी है। हमें सारा रेजिस्टेंस गिवन है, आर वी वन बेटा गिवन है, मतलब ये हमें गिवन है, आर बी टू बेटा हमें गिवन है, आर वन हमें गिवन है, आर टू बेटा हमें गिवन है, एक बैटरी है बेटा ई, हमें उसका ईएमएफ भी गिवन है। फाइंड द रीडिंग ऑफ वी वन एंड बी टू व्हेन स्विच इज ओपन एंड स्विच इज क्लोज। क्लियर हुआ बेटा, बनाए सर्किट। देखो बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, बाकी काम आप ही करोगे, मैं खाली खाली इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हुआ चलूंगा बेटा। देखो आर वी वन, ये वी वन ना बेटा 3000 ओम, ठीक है, वी टू कितना बेटा 2000 ओम, स्विच ओपन की कहानी लेके चल रहा हूं बेटा, आर वन कितना
आर्म रेट आपका 2000, ठीक है। आपका आर टू कितना बेटा, आपका आर टू बेटा 3000 ओम। और ये रही बेटा बैटरी, ठीक है। देखो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में बेटा 5000 5000 पैरेलल में आपस में 2500 बेटा करंट आ जाएगा बेटा, पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, क्लियर है पक्की बात। अरे भैया इसके क्रॉस जो जाएगा बेटा वही पोटेंशियल ड्रॉप होगा बेटा, इसमें करंट निकाल लो चाहो तो। देखो यहां कितना जीरो, यहां कितना बेटा 200, ये 5000 का रेजिस्टेंस, आई की वैल्यू आ गई, डेल्टा बी की वैल्यू आ जाएगी। इधर देखो अगली बार बेटा स्विच ऑन आप करोगे बेटा, मैं कुछ नहीं करूंगा आगे इसमें। स्विच ऑन, एक्स 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 की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है बेटा, एक्स की वैल्यू आ गई बेटा, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ गया, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ गया, बात खत्म, क्लियर है कि नहीं है, बोलो बोलो बोलो। कुछ भी टफ नहीं होता बेटा ऐसे सवाल, खाली खाली परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, ये और कुछ नहीं है। इतनी बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? इधर देखो अब ये क्वेश्चन है बेटा, हमें इसमें गिवन है ई की वैल्यू कितना बेटा 4 वोल्ट, यहां पर बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम का, ठीक है बेटा। आर कितना है हमें ये गिवन बेटा, तो सर्किट बनाते हैं। इधर देखो आर 9 ओम, 9 ओम और 9 ओम, ठीक है। वोल्ट मीटर ए मीटर आइडियल ये ओपन बेटा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा, ठीक। ये बेटा कितना 4 वोल्ट का, और यहां एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम का, और एमीटर आइडियल बेटा शॉर्ट होगा, यहां से एक वायर कनेक्टेड है बेटा है, और एक यहां कनेक्टेड है। क्या ये सर्किट बना बेटा इक्विवेलेंट कि नहीं? देखो इधर जीरो, यहां बेटा जीरो, तो यहां भी कितना जीरो, आगे बात की नहीं आई। इधर देखो बेटा यहां इंटरनल रेजिस्टेंस ना होता तो बेटा बहुत आसान था, यहां पर बेटा एक्स, आगे बात, तो बेटा यहां पर एक्स, तो यहां भी कितना एक्स, और यहां भी कितना बेटा एक्स। लो बेटा सवाल आसान हो गया कि नहीं हो गया? देखो ध्यान से, ये और ये पैरेलल में आ गए कि नहीं आ गए, क्लियर है। तो ये रेजिस्टेंस कितना बेटा 3 ओम। अरे देखो ध्यान से, जीरो एक्स के बीच में, जीरो एक्स के बीच में, जीरो एक्स के बीच बेटा ये 3 ओम, और उसके साथ बेटा ये सीरीज में, क्लियर बेटा, तो 4 ओम बेटा। यहां से करंट कितना जाएगा 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर गया बेटा, यहां जीरो था, यहां 4 होगा, यहां ड्रॉप होगा बेटा कितने का, 1 का, तो यहां पर 3। अरे बोलो तो बेटा यहां पर 3, तो एक्स की वैल्यू 3 3 3 और 3 बेटा, क्लियर है कि नहीं है। ए मीटर की रीडिंग कितनी आई बेटा 1 एम्पियर आई, क्लियर है। और वोल्ट मीटर की रीडिंग बेटा कितनी आई 3 वोल्ट आई। ढूंढ लेते हैं 1 एम्पियर और 3 वोल्ट, कुछ भी टफ नहीं बेटा। अब देखो सीरीज पैरेलल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था हमें, ये बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? क्लियर है। इधर देखो ये सवाल बड़ा अच्छा है बेटा, 6 एमीटर लगा रखे, ऑल आर आइडियल लिखा हो बेटा, ऑल एमीटर आर आइडियल, फाइंड रीडिंग ऑफ ऑल एमीटर व्हेन स्विच ओपन एंड स्विच क्लोज, ठीक है। देखो यार मैं स्विच बेटा ओपन का इसी में करता हूं, स्विच क्लोज आपको ही करना होगा बेटा। आइडियल है तो ये शॉर्ट हो गया, शॉर्ट हो गया, शॉर्ट हो गया, शॉर्ट हो गया, शॉर्ट हो गया और शॉर्ट हो गया, ये बात समझ में आ गई। रेजिस्टेंस होता बेटा, हम रेजिस्टेंस मान लेते हैं। देखो इधर बेटा जीरो, ठीक है, ये कनेक्टिंग वायर, तो यहां भी कितना जीरो बेटा, यहां जीरो, तो यहां कितना 15 होगा बेटा, यहां जीरो, तो यहां कितना -20। क्या इतनी बात बेटा समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है सबके समझ में आई बेटा? देखो इधर बेटा आप फंस गए, अब यहां पर नहीं ले सकते, यहां भी नहीं ले सकते बेटा। आप मान लो बेटा यहां पर एक्स, इसमें एक चीज और सुनना ध्यान से, बहुत अच्छा होगा बेटा। देखो इसमें करंट निकालते हैं बेटा हम, अगर इसमें करंट निकाल लिया बेटा हमने, तो कितना करंट आएगा? देखो बेटा ये 15, ये 0 बेटा, डिफरेंस है 15 का और रेजिस्टेंस है 2 ओम का, तो बेटा हाइयर से लोअर जाएगा 7.5 एम्पियर,
ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई? बोलो एकदम क्लियर बेटा। इधर देखो, ये बेटा x, तो ये कितना x होगा, अरे कनेक्टिंग वायर, इधर देखो कितना बेटा, ये x प्लस सिक्स, यहां कितने का डिफरेंस बेटा, x प्लस सिक्स, देखो x चाहे प्लस हो बेटा माइनस हो कट जाएगा, सिक्स का डिफरेंस। और बेटा ये हाइयर पर ये लोअर पर, तो इसमें जो करंट आएगा बेटा वो कितना है, देखो सिक्स का डिफरेंस दो ओम का बेटा रेजिस्टेंस, ये आएगा बेटा तीन एम्पियर इस साइड। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब बेटा हम एक्स निकालते हैं, ध्यान से सुनो, इक्वेशन लिखते बेटा, इधर मानते हैं करंट हम आई वन, इधर बेटा हम मानते हैं आई टू, इसमें बेटा हम मानते हैं आई थ्री। अच्छा देखो बेटा, इधर आई टू और आई थ्री मिला के जब आएगा ना ऐसे, इधर तो ओपन है भी, तो इधर कितना हो जाएगा बेटा, उसको हम मान लेते हैं आई, ठीक है। तो क्या हमारा एक क्वेश्चन बनेगा बेटा, देखो ध्यान से, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री इक्वल टू जीरो, ये क्वेश्चन बनेगा बेटा इस जंक्शन पर। और आई टू प्लस आई थ्री किसके बराबर बेटा, आई के बराबर यहां पर। तो क्या मैं बोल सकता हूं आई वन प्लस आई इक्वल टू जीरो, ये बात समझ में बेटा, ये क्वेश्चन तुम्हें सोचना था, अदरवाइज तुम बेटा यहां पर ना एक्स अननोन निकालते निकालते परेशान हो जाओगे। अभी मैं बता दूंगा गलती भी क्या होती है इसमें। देखो बेटा, एक्स माइनस माइनस ट्वेंटी, एक्स माइनस माइनस ट्वेंटी दैट इज एक्स प्लस ट्वेंटी डिवाइडेड बाई कितना बेटा, चार, ठीक है। देखो बेटा, अब यहां पे पता हम क्या करते हैं, यहां भी x लगा देते और यहां भी x लगा देते और यहां भी x लगा देते बेटा, यही गलती होती है। यहां पर लगाओ बेटा, देखो यहां x, तो बेटा यहां कितना x प्लस टेन, तो यहां कितना बेटा देखो, प्लस x प्लस टेन बाई वन होगा, अरे x प्लस टेन माइनस जीरो बाई वन इजिकल टू कितना बेटा, जीरो। क्या ये बात समझ में आई बेटा? एलसीएम ले लो, ये फाइव हो जाए, फोर हो जाएगा, फाइव एक्स आएगा बेटा, ये कितना ट्वेंटी रहेगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा, चार से मल्टीप्लाई किया तो चालीस इजिकल टू जीरो। क्लियर है बेटा? तो एक्स इजिकल टू कितना बेटा, सिक्सटी बाई फाइव। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? माइनस सिक्सटी बाई फाइव, ये कितना बेटा, 12। क्या ये बात समझ में आ गई? अब देखो बेटा, 12 नहीं माइनस 12। अब वापस इतनी बात बेटा सबके समझ में आई कि नहीं आई? ये माइनस 12 आया, देखो ध्यान से। अब बेटा ये माइनस 20, ये माइनस 12, रेजिस्टेंस बेटा 4 ओम का, ये डिफरेंस कितने का बेटा, 8 का। क्लियर बेटा? ये हाइयर ये लोअर बेटा, तो इधर कितना, दो एम्पियर होगा बेटा कि नहीं होगा? इधर देखो बेटा, x की वैल्यू माइनस ट्वेल्व, तो बेटा ये कितना, माइनस टू होगा। अरे बोलो, ये माइनस टू बेटा, तो बेटा माइनस टू, और ये कितना बेटा, वन, ये जीरो बेटा, तो इधर कितना बेटा, टू एम्पियर। अब इधर देखो बेटा, इस जंक्शन पर आ जाओ, इधर बेटा 7.5 गया, इधर बेटा 2 गया, तो इधर कितना आया होगा बेटा, इस साइड 9.5 एम्पियर बेटा, इसमें भी 9.5 एम्पियर। तो A1 A2 का 9.5 एम्पियर बेटा, ये A3 था उसका 2 एम्पियर बेटा, ऐसे यहां लगा लोगे सारा कुछ, सारा आंसर आ जाएगा बेटा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर है? पक्की बात बेटा? इसी तरीके से आप जब स्विच क्लोज होगा तो सोचना, देखो मैं तुम्हें हिंट दे, स्विच क्लोज होगा बेटा, अगर यहां जीरो माना तो यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, वो बहुत आसान है। देखो ध्यान से, सारा एक लाइन में निकल जाएगा स्विच क्लोज करते से ही। क्लियर है बेटा? अब देखो ये रेजिस्टेंस, ये एमीटर बेटा, एमीटर ना सीरीज है ना पैरलर है, मैं बिल्कुल बोल रहा हूं बेटा, उसको ट्रीट करो एज ए रेजिस्टेंस, जैसा कंडीशन गिवन हो उसी के हिसाब से। क्लियर हुआ बेटा? तो बेटा हमने गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर और एमीटर दोनों में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर? आज के लेक्चर में बेटा इतना ही, एक बहुत छोटा सा बेटा इसका पॉइंट बच रहा है, जिसको हम बोलेंगे मल्टी एमीटर और मल्टी वोल्टमीटर।